बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर इकबाल जद्दड़ है। मैं रियल इस्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। अगर आप रियल इस्टेट और प्रॉपर्टीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो उस मेरी इस वीडियो के साथ रहें। ये तो मज़ेद नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक 5 मरला घर की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। गुलिस्तान कलोनी फैसलाबाद में ये मकान मौजूद है। गैस बिजली यहाँ पे मौजूद है। अगर साइज़ की बात की जाए तो इसका 30 फीट फ्रंट और 45 फीट इसकी लेंथ है। गैराज वगैरह आप देख चुके हैं, बड़ी गाड़ी यहाँ पे इजली खड़ी हो जाएगी। साथ या एक ड्राइंग रूम काफ़ी बड़े साइज में बनाया गया है, इसके साथ अटैच बाथरूम वगैरह मिल जाएगा। नीचे ये चिप्स वगैरह है। मकान काफ़ी पुराना है लेकिन अगर इसको रीफर्निश कर दिया जाए तो अच्छा मकान बन जाएगा। बाथरूम में कमोड सीट वगैरह दोनों इंस्टॉल हैं। ये आप बेडरूम के तौर पे भी अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे तो ये ड्राइंग रूम ही बनाया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये आप बाथरूम वगैरह भी देख सकते हैं। एक ड्राइंग रूम की बैक साइड पर बनाया गया है। पुराना नक्शा है, पुराना मकान है। यहाँ पर रेट काफ़ी हाई है। गुलिस्तान कॉलोनी काफ़ी फैसलाबाद की पॉपुलर कॉलोनियों में इसको शुमार किया जाता है। तो ये आपको किचन एक मिल जाएगा, किचन में कैबिनेट वगैरह बने हुए। मकान रेंट आउट है, किराएदार हैं, उन्होंने अपने हिसाब से ये इसकी सेटिंग की हुई है। अगर इसको रीफर्निश कर दिया जाए तो बेहतरीन इसकी सेटिंग हो सकती है। तो बैक साइड पर आपको 2 बेडरूम मिलेंगे, ऊपर लंटर वगैरह है। छतें भी काफ़ी ऊंची, 14 फुट या 15 फुट की तकरीबन ऊंचाई पे हैं। कुर्सी वगैरह भी इसकी ऊंचाई पे ही बनती है। तो दूसरा बेडरूम भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े 2 बेडरूम आपको मिल जाएंगे। दीवारें भी ठीक हालत में खड़ी हैं, दरवाजे वगैरह लकड़ी के हैं, वो भी ठीक हालत में खड़े हैं। तो ये बाकी सिया नहीं है, पुराने नक्शे इसी तरह के ये चलते थे उस वक्त। मकान मेरे ख्याल को 15-20 साल पुराना होगा लेकिन अच्छी हालत में है। थोड़े से ये काम वगैरह इसके होने वाले हैं। अगर कोई इन्वेस्टर लेके इसको रीफर्निश करवा दे तो इसकी रीसेल अच्छी हो जाएगी। छत भी आप देख सकते हैं, इनके ये डबल स्टोरी नहीं है, 1.5 स्टोरी इसको कह सकते हैं। फ्रंट साइड पर आपको 2 कमरे वगैरह मिल जाएंगे। ये ऊपर भी यहाँ पर किचन तैयार किया जा सकता है। ये स्टोर बनाना चाहें या किचन बनाना चाहें, जैसे भी मुनासिब समझे। फ्रंट साइड पे आपको 2 काफ़ी बड़े बड़े कमरे मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई मार्बल वगैरह या चिप्स वगैरह नहीं लगाई गई। तो सामने की तरफ भी टेरेस की तरफ इसका दरवाज़ा वगैरह खुल जाता है। दूसरा रूम भी मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये भी इसी तरह का है। फ्रंट साइड पर इसका भी दरवाज़ा टेरेस की तरफ खुल जाता है। छत्ते वगैरह थोड़ा सा इसके काम शाम होने वाले हैं, अगर करवा दिए जाए तो उसकी रीसेल अच्छी हो जाएगी। लोकेशन में पहले भी बता चुका हूँ, गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद में ये मकान मौजूद है। गली का व्यू आप कर सकते हैं, मुकम्मल रिहायशी इलाका है। अंदरूनी शहर में ये मकान बनता है। ये एक बाथरूम वगैरह भी आप देख सकते हैं, ये भी सादा साया बाथरूम है, इसकी भी तैयारी होने वाली। तो डिमांड थोड़ी सी इसकी ज़्यादा की गई है, 1.5 करोड़ इसकी डिमांड की गई है। अगर आपको पसंद आ जाता है तो मौके पे कमी बेशी इसकी हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।